फिंगर्स, फिंगर्स में देखिए सबकी अगर उंगली, पर्वतों की उंगली बिल्कुल सीधी है तो समझ लीजिए सारे प्लैनेट जो है अपना अपना काम ठीक से कर लेंगे, मतलब सब अपने अपने दशा के अनुसार ये फल दे लेंगे। लेकिन कभी भी मिडिल फिंगर की ओर तर्जनी का झुकाव ज्यादा हो इस तरह से, या फिर कई लोगों की उंगली ऐसी आपको टेढ़ी दिखेगी, ऐसी टेढ़ी, ये उंगली का झुकाव यानी कि गुरु की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की ओर जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के बातों में डिपेंडेंट होता है, अपना खुद अस्तित्व नहीं रहता, ऐसा खुद से कुछ भी नहीं ढूंढेगा, वो कोई इसको दूसरों अप्रूवल करके देगा तभी वो उस काम को करेगा। अगर सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की ओर है तो ऐसा व्यक्ति काम के मामले में बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगा, अपना खुद का काम नहीं करेगा। वहीं अगर गुरु की उंगली बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट, इसके शनि की उंगली की ओर कोई झुकाव नहीं है, स्ट्रेट है, ऐसा व्यक्ति अपने खुद से अपनी मेहनत से ज्ञान अर्जन करेगा, सेल्फ स्टडी ज्यादा करेगा और कहीं ना कहीं समझदार होगा, लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी होगी। अगर उसी प्रकार छोटी उंगली और सूर्य के उंगली के बीच में गैप है, जैसे मेरी उंगली में गैप है, ज्यादा गैप है, तो ऐसा व्यक्ति लीग से हट के काम करता है, परंपरागत काम को छोड़कर अपने तरीके से काम करता है, और इस तरह से जोड़ने से इसके बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा चिपका हुआ रहे, स्ट्रेट उंगली स्ट्रेट रहे, तो ऐसा व्यक्ति जो है कोई ना ट्रेडिशनल वर्क या रेगुलर एक आम आदमी जैसा काम करता है वैसा करेगा। वही छोटी उंगली अगर टेढ़ी होकर झुकाव ज्यादा सूर्य के पर्वत की ओर इस तरह से टेढ़ी हो जा रही है तो ऐसा व्यक्ति धूर्त या बहुत चालाक होता है। अगर राहु राहु की स्थिति भी बहुत मजबूत है और उंगली टेढ़ी है तो ऐसा व्यक्ति भयंकर चतुर मिलेगा, चतुर मतलब सुपर भयानक वाला चतुर, जैसे हर्षद मेहता टाइप, जो भूचाल ला दे, दुनिया बदल दे, ऐसा जी जिसको जहां पर जिस जो लोग कहते हैं ना कि जब नेगेटिव मार्केट होता है तो वहां से भी पैसा निकाल लेते हैं, उस माइंडसेट वाला आदमी, मतलब ऐसे लोगों को ना जब उल्टी गंगा, मतलब गंगा के बहाव के उल्टी दिशा में कुछ ना कुछ वो ऐसा काम कर देते हैं कि उसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे, दुनिया डूब रही होगी लेकिन ये चढ़ रहा होगा, चतुराई देता है क्योंकि बुध चतुर है और इसका झुकाव कहाँ पे जा रहा है, सूर्य की उंगली की ओर, तो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता कहीं ना कहीं से। अगर सूर्य की उंगली की ऊंचाई गुरु की उंगली के बराबर है तो ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिजीवी। अगर सूर्य की उंगली की ऊंचाई ज्यादा है गुरु की उंगली से तो ऐसा व्यक्ति होता है पराक्रमी, लीडर, अगर गुरु की उंगली की ऊंचाई ज्यादा है सूर्य की उंगली की ऊंचाई कम है तो ऐसा व्यक्ति होता है तानाशाह, डोमिनेशन, कि मैं ही मैं हूं, दूसरा और कोई नहीं। हाँ, अगर सूर्य की उंगली की ऊंचाई गुरु की उंगली से ज्यादा रहे यानी शनि की उंगली के बराबर रहे तो ऐसा व्यक्ति होता है पराक्रमी, लीडर, लीडरशिप क्वालिटी का, अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेता है और पूरी करता है, ऐसे लोगों का ईगो थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन अगर गुरु की उंगली की ऊंचाई शनि की उंगली के बराबर हो जाए और सूर्य की उंगली छोटी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति होता है तानाशाह, यानी मैं जो बोलता हूं वही आखिरी है, किसी और की बात नहीं सुननी है।